हेलो एंड वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस पिठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम कहते हैं कढ़ाई पिठा। यहाँ पे मैं आपके साथ स्टफ्ड कढ़ाई पिठा वाला रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी और डिलीशियस डिश है ये, तो चलते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मेजरिंग कप से मेजर करके मैं एक कप बिना छिलके वाला उड़द दाल ली हूँ और साथ में 1.5 कप रॉ राइस ली हूँ। इसे हम अच्छे से धो के 6-7 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। इसे भिगोने के कम से कम 7 घंटे हो चुके हैं, तो अब एक ब्लेंडिंग जार लेके सबसे पहले सारे उड़द दाल को उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। साथ ही में इसमें दाल के लेवल तक हम पानी डाल देंगे। आप देख सकते हैं दाल और पानी का लेवल पूरा सेम है। अब इसे हम ब्लेंड करके पूरा स्मूथ बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा स्मूथ बैटर होना चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए ये बैटर। अब इसे एक कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। अब इस उड़द दाल वाले बैटर को हम लगातार इसी तरह से चलाते हुए कम से कम 10 मिनट के लिए विस्क कर लेंगे जोर जोर से। 10 मिनट विस्क कर लेने के बाद इसे साइड करके रख लेंगे और सेम ब्लेंडिंग जार में हमने भिगो के जो चावल को रखा था उसे ट्रांसफर करेंगे। पानी डालेंगे चावल के लेवल तक। देख सकते हैं आप, पानी और चावल का लेवल सेम है। अब इसे हम ब्लेंड करके पूरा स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है और आप देख सकते हैं ये पूरा स्मूथ है, बिल्कुल दरदरा नहीं रहना चाहिए बैटर। अब इस बैटर को भी सेम कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे दोनों चीजों को अच्छे से। यहाँ पे हमारा बैटर मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी। अब इसे हम थोड़ा सा बस खुला छोड़ते हुए कवर कर लेंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और इसे 8-9 घंटे या फिर ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। बैटर को ओवरनाइट छोड़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना फूल चुका है, बढ़िया से ये बैटर फर्मेंट होके कितना लाइट हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बैटर को आप इस तरह के एक बड़े कंटेनर में ही रखिएगा, नहीं तो ये फूलने के बाद इसकी क्वांटिटी और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बैटर को आप साइड करके रख लेंगे और गैस में एक पैन चढ़ा के उसमें डालेंगे 1 कप फ्रेशली ग्रेट किया हुआ नारियल। इसमें डालेंगे 1 कप पूरा भर के छेना, 1 कप इसमें जाएगा गुड़। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में हम इसे कुक करेंगे जब तक कि गुड़ पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। कुछ ही मिनटों के बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब फ्लेम को हम हाई करके इसे हम कुक करेंगे हाई फ्लेम में इसका पूरा मॉइस्चर ड्राई होने तक। कुछ ही मिनटों के बाद इसका पूरा मॉइस्चर सूख चुका है और ये ड्राई होके हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है, तो अब फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब बैटर में आप स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए, मैं यहाँ पे 2 टीस्पून यूज़ की हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब गैस में कढ़ाई चढ़ा के 2 टीस्पून घी डालेंगे और घी जैसे ही गर्म होगा बैटर का हाफ क्वांटिटी पूरा इसमें डालेंगे। प्रिपेयर करके रखे हुए सारे स्टफिंग को हम स्प्रेड करते हुए पूरा बैटर के ऊपर डाल देंगे और बाकी का रिमेनिंग हाफ जो बैटर हमने रखा था उसे भी उसके ऊपर डाल देंगे। अब इसे हम कवर करेंगे और पूरा लो फ्लेम में 20 मिनट के लिए बिना डिस्टर्ब किए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इसे कुक करने के 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब कवर खोल के हम एक नाइफ इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइफ पूरा क्लीन आया है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब बहुत ही केयरफुली दिखाए गए तरीके से हम इसे फ्लिप कर लेंगे। 1 टीस्पून घी इसके साइड में हम डाल देंगे, कवर करेंगे और पूरा लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बिना डिस्टर्ब किए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि नीचे की तरफ से भी ये बढ़िया से ब्राउन कलर हो जाए। इसे पूरा लो फ्लेम में कुक करने के 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब कवर खोलेंगे। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है पिठा। अब गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इस पिठा को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पिठा ठंडा होने के बाद इसे पीसेस में काट लीजिए। प्रिपेयर करना इसे बहुत आसान है, तो एक बार बना के अपने घर में ट्राई जरूर कीजिए। अंदर से पूरा सॉफ्ट और बाहर से एक क्रिस्पी क्रस्ट रहता है और खाने में बहुत लाजवाब लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।